हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए भिंडी मसाले की सब्जी लेकर आई हूँ। भिंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाने में भी ये बहुत जल्दी से बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई में बनाई है मैंने पहली बात तो ये सब्जी। और इसको बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म किया, उसके अंदर जीरा डाला और फिर 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और फ्रेंड्स, एक टिप देती हूँ मैं आपको, सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो जब वो स्मोकिंग हॉट हो तो आप गैस बंद करके, जब वो ठंडा हो जाए फिर गर्म करके आप सब्जी बनाइए, तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। और आपको बिल्कुल इतना टाइम नहीं है, तो जब वो गर्म हो जाए उसके अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दें तो भी उसकी स्मेल चली जाएगी। पर जब नींबू का रस निचोड़े तो ध्यान रहे वो उछलता है थोड़ा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को अच्छे से पेस्ट बना के डाला है। और इसका पेस्ट भी मैंने कोई मिक्सी में नहीं बनाया है, मैंने मॉर्टर एंड पेसल में अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाली है और उसमें थोड़ा नमक डाल के उसे कोट लिया और बस वो डाल दिया। अब मैं इसमें भिंडी डालूंगी। भिंडी मेरी 250 ग्राम है और इसमें मैंने 1 हरी मिर्ची भी काट करके डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, हमें बहुत स्पाइसी नहीं पसंद। ये देखिए मिर्ची दिख रही है, मिर्ची भी डाली है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालूंगी और फिर हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पक जाएगी ना तब हम इसके अंदर टमाटर और बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिलाकर और ढककर धीमी आंच पर पकाऊंगी। ये देखिए अब ढक देंगे। अब ये देखिए मेरी भिंडी एकदम पक चुकी है। ये देखिए आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए जिससे ये लगे नहीं। अब मैं इसके अंदर 1 टमाटर बारीक कट करके डाल दूंगी और मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी। मैंने इसमें 1/3 टेबलस्पून यूज़ नहीं किए, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है मैंने उसी को यूज़ करा है। तो 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और 1 ही चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिला दिया। अब बस मैं इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका लूंगी बस, और हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए 1 मिनट बाद मैंने देखा है ये मेरी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए, आप इसे राइस के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें न्यू अपडेटेड रेसिपीज के लिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी। बाय फ्रेंड्स।